सलाम वालेकुम जी, कैसे हो? सब ठीक ठाक होगी उम्मीद करता हूँ। तो यार, आजकल मैंने आपको एक अपडेट देनी थी कि फोड़ी काकू का ना जो इंसिडेंट पेश आया, वो मोटरवे पे बाबरपुर से जा रहे थे, लोहोड़ आ गए थे हमारी सिटी में। तो उम्मीद करता हूँ आप सब ठीक ठाक होंगे। आपको मैंने यही बताना था कि काकू भाई, फोड़ी काकू, जैसे कि आप उनको जानती होंगे, एक मशहूर ब्लॉगर गेमिंग स्कर वाले भाई, जानती होंगे आप लोग। तो उनके मैंने आपको बताना था कि जो सीन हुआ उनके साथ वेरी बैड हुआ है। तो इंसिडेंट ऐसा कुछ उनके साथ पेश आया कि वो जा रहे थे बाबरपुर से लाहौर में, तो साथ में उनके साथ एक ऐसा पेश आया कि दो लड़के थे गाड़ी। तो मैं उनका ब्लॉग का एक पार्ट डालता हूँ, आप वो देखें सबसे पहले, तो फिर आप आना। ये गाड़ी का नंबर है। मुझे इस टाइम बिल्कुल भी नजर नहीं आ रहा है, मुझे नहीं पता कि मैं कैसे गाड़ी चला रहा हूँ। सब पता नहीं क्यों इस तरह अपना मैं चालीस किलोमीटर दूर रह गए लो, और मुझे नहीं समझ आ रही मैं क्या करूं। कसम से, दो लड़के हैं, माँ बहन की गालियां निकाल के गए हैं, उसके बाद इतना दूर से पहले ये सिविक थी, ब्लैक कलर की सिविक थी, और मैं जा रहा हूँ सही है, वो लेफ्ट इंडिकेटर दे रहे हैं, मैं लेफ्ट पे हो रहा हूँ, मतलब पीछे से इंडिकेटर मुझे दे रहे हैं, मैं लेफ्ट पे हो रहा हूँ। कसम खुदा की मैंने कुछ भी गलत नहीं किया। मैंने बीच में यूं हाथ निकाल के बाहर मार देंगे, फैमिली के साथ किसी और का गुस्सा शायद उतार गया मेरे पे, कोई और इनके साथ गलत कर रहा था, मुझे नहीं पता। मुझे एक आंख से नजर आ रहा है, एक आंख से बिल्कुल भी नजर नहीं आ रहा है। वो सिविक के अंदर थे, काली सिविक के अंदर थे, काफी देर मेरे साथ चलता रहे। मैं लेफ्ट नहीं देखे, इधर दे रहा हूँ। मैं आपने वो वीडियो देख ली होगी उम्मीद है, तो आपको मैं बताता हूँ कि वो बेचारा बहुत भी होनेस्ट, मैं आपको बताता हूँ, बहुत अच्छे इंसान है। मैं ऑफिशियली जो है ना उनका खुद बहुत बड़ा फ़ैन हूँ। मैं कॉन्टैक्ट हुआ था मेरा इंस्टाग्राम पे, मैंने मेंशन किया था उनको स्टोरी में, उन्होंने कहा था नाउ आई एम फिट, बट उनकी जो आईज़ है ना वो थोड़ी डैमेज हुई है बैडली। इंशाल्लाह तक वो भी थोड़ी ना एज सून एज पॉसिबल हो जाएगी ठीक, क्योंकि एक दो दिन में उनका व्लॉग भी आ जाएगा तो हमें अपडेट कर देंगे। तो यार बहुत बुरा हुआ है, दुनिया जो है ना बहुत जलती है, दुनिया से कामयाबी किसी की बर्दाश्त नहीं होती, बेशक वो जो मर्जी है, वो जो भी है वट एवर। यार ये गलत हुआ है, यार जो भी है ना वो गलत हुआ है, भाई को सपोर्ट करो। अब उनको इंसाफ दिलाना है हमने, और हमने ये ट्रेंड छोड़ना नहीं है, अभी जब तक उनको ये इसका इंसाफ ना मिले हमने छोड़ना नहीं है। तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो, लाइक करो वीडियो को, तो ये वीडियो उन तक पहुँचानी है आपने ठीक है, सिक्योरिटी से लाजमी उन तक पहुँचा दें आप वीडियो मेरी। तो आप जो मेरे व्लॉग के जो देखने वाले हैं, इंशाल्लाह वो भी मेरा भी व्लॉग जल्द आ जाएगा, लेकिन मैंने सोचा कि आपको अपडेट कर दूं। तो रीज़न जगह से ये हुई है कि उनको ना गलत फहमी हुई है, कोई जो ब्लैक ओडिया वाले थे, जो दो लड़के थे वो अपनी मदर के साथ थे, वो इतनी नहीं बैड लैंग्वेज यूज़ कर गए थे कि पी लगा दी थी वो काकू भाई ने। लेकिन बहुत अच्छे बंदे हैं यार, बहुत ज़्यादा अच्छे बंदे हैं, काबिल तलीफ हैं, और जितना हम बोलें उतने ही उनके लिए कम है। तो आप चैनल को सब्सक्राइब करो, लाइक करो। तो आपको मैं साथ साथ बताऊँ कि ना बहुत अच्छा बंदा है यार, सपोर्ट करो उसको भी। अगर उनकी वीडियो देखनी है अपने, लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दूंगा, वो भी व्लॉग वाला देख लेना, बहुत ट्रेंड पे चला हुआ है यार, अच्छा बंदा, उसको सपोर्ट करनी चाहिए और उसको इस चीज़ का इंसाफ भी मिलना चाहिए। और मैं काकू भाई से ये कहूँगा, काकू भाई जब भी निकलते हो लॉन्ग ड्राइव पर यार, अपने पास ना तो इक्विपमेंट रखो कोई कि जो है शॉर्ट करके मारो, फेंक दो उसको साइड पर, छोड़ो, दुनिया ऐसी बोलती रहेगी। या फिर आप एक पिस्टल समझ लो ना, ये वाला टिकटॉकर नहीं बनना, असली पिस्टल रखना ठूफ ठीक है ना। तो वो रखो पास, तो फिर और अकेले नहीं निकलो यार, मैं मेंशन करूँगा अगर वो वीडियो देख रहे हैं ना, तो बताना आदमी से यार मुझे क्या कहते हैं,
अकेले नहीं निकलो। जैसे कि हम भी जब कहीं लॉन्ग ड्राइव पे निकलते हैं ना, साल में मेरी फैमिली होती है और यहाँ पे मेरे दोस्त वगैरह होती हैं, तो आपसे भी मैं यही कहूँगा, गुजारिश करूँगा कि अकेले ना निकला करो। हमें आपसे दिल से भी प्यार है, अकेले नहीं जाना करना, ठीक है ना? तो अकेले ना जाया करो, साल में किसी दोस्त वगैरह को ले लिया करो, फैमिली मेम्बर को ले लिया करो। बट आपने उसी टाइम चाचू को फ़ोन किया, लेकिन चाचू आपके मम्मी पते आ रहे हैं और आपने बताया था व्लॉग में, तो फिर यही सीन है यार, परेशानी होना आपने। अल्लाह हमेशा ठीक करने वाला है, ऐसा इंसाफ आपको मिलेगा, हम आपके साथ हैं, कोई भी किस्म की मदद हो हम हाजिर हैं। तो आप चैनल को सब्सक्राइब करो, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में आपसे। आप जो मेरे व्लॉग आने वाले हैं वो थोड़ा देर होगी, लेकिन आ जाएंगे, जल्दी आएंगे, लेकिन मेरे व्लॉग आएंगे, यानी कि वीक में 2-3 व्लॉग्स आएंगे मस्ट। लेकिन यार अभी टाइम नहीं है, जरा शादी वगैरह का सीन है, कोई कज़न वगैरह की शादी है, उनके लिए तैयारी वगैरह भी करनी है। तो आप जाके चैनल को सब्सक्राइब करो, लाइक करो, वीडियो कमेंट करो, मैं कमेंट पढ़ूँगा आपके। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में व्लॉग के। ओके।